I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life, I'm crazy, I'm bad. एक गाड़ी जो 10 साल पुरानी है उसको मेंटेन करना बड़ा ही मुश्किल होता है। एक अगर आप पुरानी गाड़ी को सेकंड हैंड गाड़ी लोगे ना तो उसका ध्यान तो आपको नई गाड़ी से ज़्यादा ही रखना पड़ेगा। तो इसी तरह से हमें उसकी रेगुलर शेड्यूल मेंटेनेंस करवाती रहनी चाहिए। और फिर अगर आप खुद कार गीक हैं और आप कारों में ज़्यादा विश्वास रखते हैं और आप कार पसंद करते हैं तो आप तो खुद ही चाहोगे कि गाड़ियाँ बढ़िया ही रहे आपकी। तो क्यों मैंने प्रेफर करा एक सेकंड हैंड कार को बाय करना जबकि उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू न्यू कार। तो और कैसे उस कार को आपको मेंटेन करके रखना चाहिए, आज इस वीडियो में हम वही जानेंगे। तो अब जैसे कि मेरे भाई जो हैं, जितने भी मेरे भाई कज़न वगैरह हैं, वो सब इसी लाइन में और ऑटोमोबाइल फील्ड में ही हैं सब, तो इतना मुझे इशू नहीं आता है। इसलिए ही मैंने एक सेकंड हैंड कार को प्रेफर करा बाय करना। तो यार जब से मैंने कार ली थी ना, तो इसमें बिल्कुल भी काम नहीं होता था यार, बिल्कुल ऐसे पड़ी रहती थी। अब देख ही सकते हो आप इसकी कंडीशन किस तरह से है, सब ख़राब हो रखी है। मैंने इस पर ज़्यादा हो बस जब पेंट कराया था, आपने पिछली वीडियो देखी होगी जो मैंने बोला था डिट्स मॉडिफिकेशन, जो मैंने पेंट्स कराया था एलॉय पे और इसके साइड मिरर पर, तो जब से बस उसके बाद कोई काम को मैंने करवाया ही नहीं इसमें। कोई आप कहते भी रहते हो कि वीडियो लाओ अपनी रिट्स की वीडियो लाओ, लेकिन कोई वीडियो भी नहीं आ पाई। लेकिन अब आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अब इसको ही ध्यान देंगे और इसको बनाएंगे कुछ बढ़िया सा आज। लेकिन जितना भी है थोड़ा, जितने भी छोटे मोटे काम थे सारे काम करवा लेंगे आज इस गाड़ी के। है गाड़ी यार ज़बरदस्त एकदम। अब जो आज की गाड़ियाँ आ रही हैं मारुति की बलविनो देख लो, या जो भी अब न्यू जनरेशन गाड़ियाँ आ रही हैं मारुति की, वो तो बहुत ही हल्की कर दी हैं। ये ओल्ड जनरेशन 2011 मॉडल है और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना आज की जमाने की गाड़ियों से बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। क्योंकि इसके अगर मैं गेट को भी खोल के देखूंगा ना, आपको गेट बताऊंगा इसका, तो गेट ऐसा गेट इतना हैवी है कि बलिनो के तो 2-3 गेट के मुताबिक इसका वेट है। बलिनो में 2-3 गेट यूज़ हो जाएंगे, इतना भारी गेट है इसका। क्योंकि मैंने बलिनो का गेट देखा है वो तो ऐसा पिचक जाते हैं। देखिए इसे तो बैंड ऐसे करके उसको तो ऐसे हल्के से मैं छूंगा ना तो दब जाएगा। तो इसकी आज की जो पुरानी गाड़ियाँ थी ना मारुति की, इनकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती थी। हम अपनी गाड़ी की भी जो कमियाँ थी वो पूरी कर रहे हैं यहाँ पर। इस जैसे कि देखिए कि मेरा थोड़ा सा यहाँ पे ना कूलेंट दिखाता हूँ आपको, यहाँ से ना ये कूलेंट लीक हो रहा था, आप देख रहे हैं ना गेयरबॉक्स के ऊपर कूलेंट है, तो ये कहीं से यहाँ पे लीक हो रहा है इस जगह से। तो उसको भी देखेंगे कि चेक करेंगे। एक बार गाड़ी हीट भी हो गई थी जब मैं ऑफिस से आ रहा था, तो उसके बाद अब देखते हैं कहाँ पर प्रॉब्लम थी, कहाँ पर सोल्यूशन निकलेगा अब इसका। यार देखो हमारी गाड़ी में भी काम होता हुआ, जहाँ बताया था कि कूलेंट लीक हो रहा है, पाइप फूल गया। भाई बता रहे हैं कि पाइप फूल गया, गल सा गया या तो अभी हमारे पाइप लग रहा है यहाँ पे, जो लीक पाइप से लीक हो रही थी ना साइड से, तो उसको पाइप को कट करके पाइप आगे से फूल गया था, तो ये नया क्लिप लगा रहे हैं। देखो उससे पानी रुक जाएगा, जो लीकेज हो रही थी ख़त्म हो जाएगी। इसके पैनलों में से भी आवाज़ आना शुरू हो गई थी। अब यार 2011 मॉडल है, उसके बाद इतने साल हो गए, 10 साल से ऊपर हो गए, तो आवाज़ तो आ ही जाती है। वो भी आज सारी बंद करवा देंगे, इसकी चूर चूर पीर पीर सारी बंद करवा देंगे आज। जितना भी काम हुआ है हल्का फुल्का जो भी था सब करवा रहे हैं। तो वैसे भी हम जो इसका एयर मास सेंसर है या फिर उसको साफ़ करवा रहे हैं, तो हमने ये बटरफ्लाई ओपन कर दी एयर फिल्टर का असेंबली हटाकर। अब इसको धोने का काम करते हैं, यानी इसे साफ़ करेंगे। ये देखिए हमारी ये निकली है बटरफ्लाई। देख रहे हैं आप कितना कालापन निकल रहा है यार इसके अंदर से, जैसे ही पता नहीं बरसों से नहीं साफ हुई हो थ्रॉटल बॉडी। तो एक गाड़ी जो होती है ना कार, उसके इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर और एयर फिल्टर सब रिप्लेस करवा देते हैं, वो तो एक बेसिक मेंटेनेंस होती है। लेकिन जो सेकंड हैंड कार अगर खरीदेंगे आप ना, उसके बाद
तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको ज़रूरत होती है दोबारा से मेंटेन करने की। जैसे कि थ्रॉटल बॉडी थी हमारी, उसको हमने क्लीन करा, जैसे स्पार्क प्लग हैं उसको हमने क्लीन करा। तो ये बाकी थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं जिनको करवाना पड़ता है और वो एक बेसिक कार सर्विस में नहीं आती हैं, तो हमें ये चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। वैसे हर कोई बंदा ये तो करवा ही लेता है कि इंजन ऑयल रिप्लेस करवाना, ऑयल फिल्टर रिप्लेस करवाना, एयर फिल्टर रिप्लेस करवाना, ये तो एक बेसिक कार सर्विस होती ही है और ये हर बंदा करवा ही लेता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें ध्यान देनी चाहिए, जैसे कि अपनी थ्रॉटल बॉडी हमने क्लीन करी है, स्पार्क प्लग देखे हैं कैसे हैं, तो इससे भी काफ़ी असर पड़ता है गाड़ी की रनिंग पर कि वो किस तरह से चल रही है। बाकी तो अभी से ऐसा कर देंगे, देखना तो न्यू ब्रांड लगेगा ये बिल्कुल। तो ये मेरा भाई है और इनका ही यहाँ पर गैरेज है पूरा। अगर मुरादाबाद एरिया में आपको कहीं भी एक बढ़िया गैरेज चाहिए ना, तो आप मैं एक नंबर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कार सर्विस करवानी हो बेसिक या फिर कुछ भी अगर इंश्योरेंस का काम, कोई गाड़ी रिस्टोर करवानी हो, जो भी करवाना हो, तो उस दिए गए नंबर पर आप कॉल करें, संपर्क करें और मुरादाबाद एरिया में आसपास जितने भी हैं आप एकदम बेस्ट कार सर्विस पाएं। जिया मोटर नाम से वर्कशॉप है यहाँ पर। देखिए अब आप देखिए कैसी हो गई है गाड़ी, बिल्कुल पहले कैसी थी और अब देखिए फुल अंदर से इंजन बे भी पूरा साफ़ कर दिया है। हर एक एक चीज़ जहाँ पहले किस तरह से हो रही थी, सब जगह गंदगी थी, अब ये देखिए ABS सेंसर जो है इसका पूरा मॉड्यूल, ABS मॉड्यूल ऐसा लग रहा है जैसे नया लगाया हो। आप देखिए अपने सामने क्या तब्दीली आई है, एकदम लग रही है कि आपको ये पहले वाली रीड्स है। On my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause some pain, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag,